My dear students, हम लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे, द स्नेक एंड द मिरर। कल के वीडियो में हमने पैराग्राफ नंबर 10 और पॉइंट नंबर 10 हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 11 से। नो द डॉक्टर सेड, आप मेरे साथ लाइन टू लाइन बने रहे। हम पॉइंट नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। नो द डॉक्टर सेड गॉड विल अदरवाइज। नो द डॉक्टर सेड, नहीं डॉक्टर ने ऐसा कहा, नहीं डॉक्टर ने ऐसा कहा। गॉड मेड अदरवाइज, भगवान की इच्छा कुछ अलग थी। माय लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मेरी जीवन संगीनी या मेरी पत्नी तो तेज धावक की प्रतिभा वाली पतली वे सरकंडे जैसी है। रीडी, रीडी मतलब सरकंडे जैसी, बिल्कुल पतली है। स्प्रिंटर होता है तेज धावक, तेज दौड़ने वाला, उसे कहते हैं स्प्रिंटर। स्प्रिंटर कई बार वन वर्ड में ये पूछा गया है, ध्यान रखिए। कंपेनियन वर्ड, कंपेनियन का भी कई बार पूछा गया है। कंपेनियन का अर्थ होता है साथी, कंपेनियन का अर्थ होता है साथी, और कंपेनियन का सिमिलर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। The doctor replied, I am here till I reach your friend's house. The doctor replied, reply is second form used over here, simple past and used over here. The doctor replied, doctor ne uttar diya, I am here till I reach your friend's house. Doctor ne uttar diya, the next morning
Something very most of my things pain. Something very most of my things. कोई चोर मेरा अधिकांश सामान ले जा नहीं पाता. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insert. कमरे में सब कुछ चुरा लिया गया, किंतु वास्तव में नहीं. चोर ने मेरा अपमान करने के लिए एक भी छोड़ी थी. What was that I asked? वो कौन सी चीज थी? मैंने पूछा. The doctor said, my wrist, the dirty one. मैंने पूछा कि वो क्या चीज थी? तो डॉक्टर ने कहा, मेरी एक गंदी बनियान थी. My wrist, the dirty one. The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal would have taken it and used it after washing it with soap and water. वह बदमाश इसे भी मिला सकता था और साबुन के पानी से धोकर इसका उपयोग कर सकता था. Did you see the snake? The next day, doctor Charlie ने अपने मामू साहब को देखा. The doctor laughed. Doctor हंसा. कभी नहीं देखा. फिर वो स्नेक इट वॉज टेकन विथ इट्स ऑन ड्यूटी. ये कैसा सांप था जो अपने ही सौंदर्य पर मोहित हो गया था. लेसन हैज फिनिश्ड. वी हैव ट्रांसलेटेड द कंप्लीट लेसन. द स्नेक एंड द हमने सिंपल पास्ट टेंस के काफी सेंटेंस दिए हैं. सिंपल पास्ट की कॉन्सेप्ट आपको समझ आती होगी. पहले हमने इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसमें भी हमने सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ा है. ठीक है, तो आप सिंपल पास्ट का जो हमारा अलग से वीडियो बना हुआ है को भी आप देखें, उसकी एक्सरसाइज में देखें, ताकि और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें. हमने इस लेसन में जब भी से पॉइंट वाइज हमने ट्रांसलेट किया, तो इम्पोर्टेंट वर्ड हमने कैच किए, हमने मूड खिलाने की कोशिश करी. सिनोनिम एंटोनिम भी आपको बताया. वोकैब से पढ़िए, आपके भाग भी कर रहे हैं और ग्रामर की टर्म भी आपको बताई है. पर आप ग्रामर के टर्म को समझने के लिए अर्थात ग्रामर को और अच्छा समझने के लिए ग्रामर के वीडियोस को बार बार आप देखें. ज्यादा से ज्यादा वर्ब को याद करने की कोशिश करें, उन्हें इंप्लीमेंट करें, लागू करें. ठीक है, बुक में खूब सारी वर्ब और आप कोई अन्य ग्रामर की अच्छी बुक से भी वर्ब याद कर सकते हैं और अन्य टॉपिक्स को सीखने में भी ग्रामर की बुक आपके लिए उपयोगी साबित होगी. डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हैं. डिक्शनरी में जब भी हम वर्ड वर्ड का यूज करके सेंटेंस बनाया हुआ होता है, तो हमें कॉन्सेप्ट थोड़ी और अच्छी समझ में आता है.
बने रहे। थैंक यू।